हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे सो so, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सोशल जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है अमंग्स यंगस्टर्स एंड इसके काफ़ी सारे आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे ऑल ओवर दिल्ली एंड इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम होते हैं एंड आज जहाँ मैं आई हूँ दैट इज़ इन हस विलेज जो अपने लेक व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसके अलावा अगर इसके इंटीरियर्स की बात करूँ तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स का यूज़ करा गया है यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉर्थ इंडियन एंड चाइनीज़ फूड मिल जाएगा एंड कॉस्ट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड आई एन आर सो द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑर्डर इज अ डिया बाई गोलगप्पा थाली एंड यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी सारे गोलगप्पे मिले हैं उसके साथ इन्होंने खट्टा पानी दिया है जो कि है ग्रीन पानी उसके साथ इन्होंने यहाँ पे दिया है आलू जो कि बॉइल्ड है और उसी के साथ इन्होंने कुछ तो मिक्सचर उसमें बनाया हुआ है और उसी के साथ इन्होंने कुछ तो ग्रीन वेजिटेबल्स वाला हेल्दी हेल्दी कुछ दिया है वो भी मैंने डाल दिया और उसके बाद था मीठी चटनी यहाँ पर मैं एक मस्त सा गोलगप्पा बना लेती हूँ एंड मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं इस पर्टिकुलर गोलगप्पे से बिकॉज सारी जो इसमें प्लेट में चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है और मैं अच्छे से अपना खट्टा पानी इसमें डाल लेती हूँ सबसे पहली बात तो जो इनके गोलगप्पे हैं वो कुछ ज़्यादा ही ह्यूज है एज़ यू कैन सी कि मुझे कितना वाइड माउथ ओपन करना पड़ रहा है एंड अगर मैं इसके पानी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है बट इतना ज़्यादा खट्टा नहीं है जितना ग्रीन पानी होता है एंड मुझे आलू का जो मिक्सचर है वो भी ओके लगा सो so, ओवरऑल मुझे फ्लेवर वाइज ही ओकेश लगा बट हाँ ठंडी के मौसम में अगर चाट मिल जाए खाने को तो मज़ा ही आ जाता है एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग शाउटआउट का वेट कर रहे हो सो so, इस वीडियो में शाउट आउट जाता है कांता बम्बोला को थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट श्योर लाइक दीज ऑन माई वीडियो दैन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो वॉट यू लव द मोस्ट अबाउट दिस वीडियो सोशल में मैंने काफ़ी सारे इनके डिशेज ट्राई करे हुए हैं पास्ट में जैसे कि ढाबा मटन विद बटर नान या फिर दाल मखनी विद नान और इनका बटर चिकन बिरयानी भी मैंने ट्राई करा हुआ है जो मुझे ओकेश लगता है बट मटन मुझे पर्सनली यहाँ का काफ़ी ज़्यादा पसंद है सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी ऑर्डर डज बॉम्बे भील पूड़ी सैलड एंड अगर मैं इसके प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इन्होंने जो भील है वो पूरी बना के इन्होंने ग्लास कंटेनर में डाला हुआ है और इसके ऊपर इन्होंने छोटा छोटा पाइन भी डाला हुआ है अदर देन पोमीग्रनेट सो देखने में तो ये भेल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है मैंने पास्ट में इनकी बहुत टाइम पहले भील पूड़ी खाई थी उसको भी लाइक फाइव टू सिक्स ईयर्स हो गए हैं शायद उससे ज़्यादा सो अब ट्राई करते हैं इस भील पूड़ी को और देखते हैं कि ये कैसा है टेस्ट में सबसे पहली चीज़ तो जो ये पूरी भील पूड़ी है बहुत ही ज़्यादा सॉगी लग रही है मुझे खाने में ऊपर से फॉर सम और रीज़न ये काफ़ी ज़्यादा मीठी है सो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया है ये भेल पूड़ी खाने में आई मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी सोशल से क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इनका ये भेलपुरी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज़ डेथ विंग्स एंड ये मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होगा एंड मैं यहाँ पे स्पेशली ये डेथ विंग्स ही खाने आई थी जस्ट बिकॉज मैं उस दिन एक वीडियो शूट कर रही थी दैट वॉज़ ईट एग स्पाइसी फ़ूड फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स और उसमें भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि इनकी प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे डेथ विंग्स के ऊपर अनियन ड्रिंक्स भी डाले हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे सो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे डथविंग्स दे रखे हैं एंड ऑल्सो जो सॉस होती है वो काफ़ी अच्छे से सारे विंग्स में इक्वली लगा हुआ है सो ऐसा नहीं है कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है जब मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया तो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि जब मैं इसको खाऊँगी तो मुझसे इसका जो स्पाइसीनेस uh, है वो टॉलरेट नहीं हो पाएगी बट आई वॉज कन्फ्यूज कि ये मीठा है या फिर स्पाइसी है बिकॉज मेरे टेस्ट बर्ड्स को एट फर्स्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या है एग्जैक्टली मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी ये खाने में वाई बिकॉज़ मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा था ये विंग्स खाते हुए एंड रो रहे थे वो अपने वीडियो में एक्चुअली इतना ज़्यादा स्पाइसी उनको लगा सो so, अगर मैं ओवरऑल अपना पूरा फीडबैक दूँ फॉर सोशल तो पहले मुझे सोशल का क्वालिटी एंड क्वान्टिटी सब बहुत अच्छा लगता था इवन दो ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है बट आई फील कि ओवर द years इन्होंने अपनी क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है ये तो था मेरा एक्सपीरियंस आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा एंड फिर लाइक के देन मेक श्योर टू लाइक चैन सब्सक्राइब एंड है दी नोटिफिकेशन बेल अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में टेल देन, बाई